हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्यपुस्तक से जो पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 13 पढ़ाया था, इसके क्वेश्चन आंसर को मैं पर्यावरण सुरक्षा, इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आज बता रहा हूँ। देखिए आज क्वेश्चन आंसर क्या है आपके पास। स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका बताता हूँ। प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव हो, प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ कि प्रदूषण से पर्यावरण में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो पर्यावरण में प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। पहला, मिट्टी के प्रदूषण से अन्न और फसल कम उम्र उग रहे हैं। दूसरा, वायु के प्रदूषण से गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा, पानी के प्रदूषण से पृथ्वी पर शुद्ध पानी की मात्रा कम हो रही है और साथ ही जलीय जीवन धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। पर्यावरण को, तो आंसर है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों में जागरूकता लानी है और इसके प्रदूषण से फैलने वाली गंभीर बीमारियों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना है। साथ ही पर्यावरण में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है जिनसे प्रकृति चक्र नियमित हो सके। उसके बाद फिर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुओं को रोकने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले गैस से प्रकृति को बचाने के लिए हमें सौर ऊर्जा, CNG एवं CFL का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, पॉलीथीन के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए। तो पॉलीथीन के स्थान पर हमें कपड़े एवं कागज़ के थैली का प्रयोग उपयोग करना चाहिए। इस तरह से आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो जाते हैं। अब इस प्रश्नोत्तर को आप लिख लीजिए, जबकि मैंने आपको कहा है कि आप इसके इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट।